हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी मी। इफ यू रिमेम्बर, कुछ दिन पहले हमने हेली बेली के केस के बारे में बात किया था, जहाँ पे कैसे शी वाज इन अ वे प्रमोटिंग अ पर्सन, ये जानते हुए कि वो आदमी लड़कियों को डिसीव कर रहा है एंड इज डूइंग समथिंग इलीगल। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये डिस्क्लोज नहीं किया था दैट ही हैज एसटीडी बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व विद हर एंड और भी कई लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप्स थे। सिमिलर केस और एक पॉडकास्ट में देखने मिला। एन अपॉलिंग चीज यहाँ पे ये है दैट लोग इसको जस्टिफाई कर रहे थे, इस पर्सन को डिफेंड कर रहे थे। सबसे पहले इस केस को हाईलाइट सोशल मीडिया पे डुएन टीवी ने किया। तो स्क्रीन पे जो आपको पर्सन देखने मिल रहा है वो एक पॉडकास्ट में ये जस्टिफाई करते हुए दिखाई दिया दैट कैसे वो एक बार एक आदमी से मिला एंड देन उसको अपने घर में लेके गया एंड मोस्टली वहाँ पे दे हुक्ड अप। बिकॉज जब इस पर्सन ने अपने पार्टनर को बताया दैट ही हैज एचआईवी, तब वो पार्टनर काफी ज्यादा भड़क गया कि पहले ही उसने ये सब के बारे में उसको क्यों नहीं बताया। उसने उसको भी ये दे दिया but HIV positive on my like on my profiles people don't want to touch you. I remember being on a date with someone, so I brought him back to my place. It was like, okay, like I need to tell you something, like I'm HIV positive. He was like, I can't believe you wouldn't tell me, and like you gave me HIV, and like was just like losing his mind. And I'm like, no, that's not possible. Even if I bled on you, like in an open wound, like that wouldn't happen. I'm undetectable. And this man was literally justifying his actions by saying this. किसी वजह से वो अवॉइड करता है लोगों को इसके बारे में बताना बिकॉज उसका जो कंडीशन है वो अनडिटेक्टेबल है एंड किसको बताने की जरूरत नहीं है। उसका ये भी कहना था कि लोग जब डेट पे जाते हैं तब क्या अपने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ये सारी कंडीशंस रिवील करते हैं, नहीं करते तो सेम उसको भी करने की नीड नहीं है, ऐसा उसका कहना था। Really don't have to like disclose my status. Right. And you think about it, like anyone that you meet on your first date or if like you're hooking up, like are they you like have something. I have diabetes, I have high blood pressure. You're not telling them any of this shit. And कुछ लोग ये चीज को actually support कर रहे थे by saying that अगर ये undetectable है तो किसको बताने की जरूरत नहीं है। अब you understand what is undetectable. इसका मतलब ये होता है कि at times उसका level इतना ज्यादा low होता है that it can't be detected by normal lab test. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो person को वो condition नहीं है। Prescribed medicines जो होते हैं ना वो time to time उनको लेना पड़ता है। अदरवाइज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क किसका जो लेवल है वो चेंज हो जाए। बट यहाँ पे बात ना कंसेंट की है, डजंट मैटर आप अनडिटेक्टेबल हो कि नहीं। दिस कंडीशन इज समथिंग जो इंटीमेट होने से पहले आपके पार्टनर को बताना जरूरी है सो दैट दे कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। आप प्रॉपरली मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं वो उनको कैसे पता, क्या रिस्क है ये सब के बारे में उनको नहीं पता है, तो उनका वो जो राइट है डिसीजन लेने का वो आप उनसे छीन नहीं सकते। आप उनके बिहाफ पे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि जरूरत नहीं है उस पर्सन को ये बताने का। एंड इस कंडीशन को आप डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है उस पर्सन को डेट करने से वो चीज ट्रांसमिट नहीं हो जाती, बट सेम कांट बी सेड अबाउट दिस कंडीशन, तो ये कंपेरिजन का कोई सेंस नहीं बनता। कुछ ट्वीट्स थे जिसमें लिखा गया था, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस विद स्ट्रेट पीपल, इफ यू आर अनडिटेक्टेबल इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, people who still get upset about it really are just ignorant, he is undetectable and practicing it safely, couldn't you argue that he is taking personal responsibility for the issue with actions, does not needing to address it। अगेन यहाँ पे लोगों को ये बात नहीं समझ आ रहा कि अनडिटेक्टेबल कंडीशन डिटेक्टेबल में शिफ्ट हो सकता है, एनी अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। यहाँ पे नो वन इज टेलिंग यू कि पब्लिकली आप सबको बताना शुरू कर दो, बट आपके पार्टनर का ये राइट बनता है इसके बारे में पता होना। यहाँ पे इफ एंड बट्स आप लगा नहीं सकते। एंड इवन पिछले बार भी जब हमने इसके बारे में बात किया था तब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इट इज हिज और हर पर्सनल चॉइस वेदर टू डिस्क्लोज दिस और नॉट, समवेयर इवन सेइंग दिस कि व्हाट इफ ये पर्सन भी विक्टिम था, उसको किसने नहीं बताया होगा एंड रिस्क में डाला होगा, वी नीड टू सिंपथाइज विद देम। यहाँ पे बिल्कुल भी इंटेंशन किसको हेट देने का नहीं है, हो सकता है उनके साथ भी गलत हुआ हो, दैट इज अंडरस्टूड, बट दैट डजंट मीन यू विल कंटिन्यू दैट चेन। कंसेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। दूसरों को आप रिस्क में नहीं डाल सकते, और अगर आप किसको ऐसे रिस्क की पोजीशन में डाल रहे हो ना देन इट इज अ क्राइम, इट इज इलीगल। कुछ कंट्रीज में तो स्ट्रिक्ट लॉज भी है इसके बारे में। एंड ये जो भी ट्वीट्स है दैट स्ट्रेट लोग हेट करेंगे, दे वोंट अंडरस्टैंड, सच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये डिस्कशन ना किसके सेंसुअल प्रेफरेंस के ऊपर नहीं है। आप स्ट्रेट हो या नहीं हो इसके बेसिस पे रूल नहीं चेंज हो जाता। हेली बेली के वक्त जो काइल नाम के आदमी के बारे में हमने बात किया था वो स्ट्रेट था, वो लड़कियों को डेट करता था। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लड़कों को डेट करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट हो या नहीं हो इसके बेसिस पे कोई किसको जज नहीं कर रहा। डिस्कशन यहाँ पे इस बारे में है कि किसको डिसीव करके उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना गलत है। देन ऐसे भी कमेंट्स मैंने देखे जहाँ पे लोग ये लिख रहे थे कि ऐसा रिस्क अवॉइड किया जा सकता है, जस्ट डोंट स्लीप विद रैंडम पीपल। तो अंडरस्टैंड दिस कि एक पर्सन को अगर आपको फंसाना है या आपसे झूठ बोलना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई लंबे वक्त तक या महीने तक वो आपको डेट करे, देन आफ्टर अ पॉइंट आपको लगेगा कि आपको ये पर्सन के बारे में सब कुछ पता है एंड वो स्ट्रेंजर नहीं रहता आपके लिए।
तो ऐसे भी केसेस देखने मिले हैं जहाँ पे लोगों ने अपने पार्टनर्स को इस वे से डिसीव किया है। और ये वोक माइंडसेट जो है ना, जहाँ पे ये बोला जाता है दैट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग, आपका हक है, नो वन कैन स्टॉप यू, ये सब बोलने वाले लोग ना कन्वीनियंटली दूसरों के राइट्स के बारे में भूल जाते हैं, राइट टू एक्सरसाइज पर्सनल चॉइस उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो इजंट दिस हिपोक्रिटिकल? रूल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेंज करोगे एंड बनाओगे। इट्स हाई टाइम लोग ये समझे कि ये ट्रेंड कितना टॉक्सिक होता जा रहा है। वेस्ट में ये माइंडसेट पुश इतना ज्यादा किया गया दैट नाउ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। हेंस वी नीड टू टेक अप सच टॉपिक्स एंड बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में ना ये मेस क्रिएट हुआ है वेस्ट में। एंड देर आर मेनी सेलिब्रिटीज स्लैश इन्फ्लुएंसर्स हु आर ट्राइंग टू पुश सिमिलर माइंडसेट हियर। एंड इन केस कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को काउंटर ओपिनियन देता है देन उनको डायरेक्टली हेटर्स का टैग दिया जाता है without understanding the point they are trying to put forth. And let me also highlight this, कि ऐसे भी कुछ influencers है ये category में जो matured and responsible way से अपनी audience से communicate करते हैं। बट अभी सोशल मीडिया के एरा में ऐसे भी कई लोग हैं जो वायरल होने के चक्कर में ना गलत मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं। देन और एक ट्रेंड आया है जहाँ पे एक्सट्रीम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को पुश किया जा रहा है एंड सम पीपल आर एक्चुअली कंसिडरिंग दिस एज ब्यूटीफुल। इट इज इनसीन। यंग माइंड्स आर प्रोन टू मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस जो आगे जाके ना वो रिग्रेट कर सकते हैं। तो जब उनको ये बोला जाता है कि आईबॉल टैटूइंग इज कूल या टंग स्प्लिटिंग इज कूल, देन वो गलत है। अगर इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करेंगे देन इट इज इम्पॉर्टेंट कि सोशल मीडिया पे इसके डार्क साइड्स के बारे में भी डिस्कशन हो। रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर का पेज मैंने देखा था जहाँ पे उसने आईबॉल टैटू डांसर्स की कैटेगरी में लोग कितना कमाते हैं इस पे बात किया था। इवन एक उसका ना ट्रांजिशन रील भी था जहाँ पे उसने बिफोर फोटोज पे लिखा था हियर फेस डजंट मैच हर पर्सोना एंड देन नेक्स्ट क्लिप में उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। आईबॉल टैटूइंग का ट्रेंड ना इंडिया में भी आ चुका है जहाँ पे टैटू आर्टिस्ट वैसे रील्स बना के सर्कुलेट कर रहे हैं। एट टाइम्स वो टैटू आर्टिस्ट इतने यंग रहते हैं दैट सवाल आता है कि क्या इनके पास उतना एक्सपीरियंस भी है। आईबॉल टैटूइंग एक रिस्की प्रोसीजर है एंड ये रिवर्स भी नहीं कर सकते। और ये जो टैटू पार्लर्स का कैटेगरी है ना वो प्रॉपरली रेगुलेटेड भी नहीं है। तो एट टाइम्स ऐसे पार्लर्स भी होते हैं जहाँ पे बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स भी फॉलो नहीं किए जाते। एक पर्सन पे जो नीडल यूज किया गया है उसको रीयूज भी किया जाता है। ये भी केसेस के बारे में मीडिया में देखने मिला है। तो ये जो ट्रेंड है ना जहाँ पे लोग ऐसे दिखा रहे हैं रील में कि इम्पल्सिव होके ट्रिप के दौरान टैटू कराने के लिए चले गए एंड इसको देख के लोग प्लान्स बना रहे हैं कि वो भी अपने ट्रिप के दौरान ऐसा करेंगे, तो थिंक अबाउट इट। फन एंजॉयमेंट लिविंग इन द मोमेंट के नाम पे इवन इफ आपको कोई ऐसा डिसीजन लेने में प्रेशराइज करे या आपके फ्रेंड्स ट्रिप के दौरान टैटू करवाने के लिए आपको पुश करे एंड अगर आपको वो नहीं करना देन इट इज ओके टू से नो, इट इज ओके टू स्टेप बैक। वो आपको बोरिंग बुलाए तो भी चलेगा बिकॉज बीइंग सेफ इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस पे भी आर्टिकल्स है कि कैसे प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ना फॉलो करने की वजह से टैटूइंग के बाद पीपल हैव गॉट हेपेटाइटिस सी एंड दूसरे सीरियस इश्यूज से भी वो डील कर चुके हैं। ये पॉइंट पे मेनी ऑफ यू माइट फील कि अरे व्हाई शी इज लेक्चरिंग अस अबाउट ऑल दिस, शी इज बीइंग ओवर कॉशियस। तो आपके ऐसे ओपिनियंस हो सकते हैं बट हियर माई इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस टू मेक माई पीपल अवेयर अबाउट द थिंग्स जिसको ग्लोरीफाई करके सोशल मीडिया पे सेल किया जा रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इंटरनेट पे जो ये गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।